लोगों को सुरक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बनाई गई डायल 112 अब लोगों का शोषण करने पर तुली हुई है। एक सिपाही ने अपने साले की शारीरिक भूख मिटाने के लिए युवती से की मांग, बदले में 50,000 रुपए की रकम भी देने की करी बात। मामला हमीरपुर जनपद के एक मोहल्ले का है, जहां पर युवती की शिकायत का निस्तारण करने पहुंचे डायल 112 के सिपाही ने युवती पर ही डोरे डालना शुरू कर दिया। मामला इतना ही नहीं, जब डायल 112 के सिपाही रवि वर्मा का साला कस्बे में आया तो उक्त सिपाही ने युवती को फोन कर अपने साले की शारीरिक भूख मिटाने के लिए लड़की का इंतजाम करने की बात की। बातें कर रहा हम लोग से, बोल रहा है कि हमसे 10,000 ले लो, 50,000 ले लो, हमसे मिल लो आके, हमें बहुत डरा धमका दी रहा है। तो कहाँ, यही मोहता कोतवाली के सिपाही है? 100 टाइम वाला है, 100 नंबर वाला। तुम क्या काम करा सकती हो जी? बता, वो क्या काम करा सकते हैं तो आप बताइए कुछ है? बताइए तब हम बताए। हम का काम बताए? फोन तो बताना सही नहीं है। क्यों? ये समझ लो तुम्हारे लायक काम है, इसीलिए हम तुम्हें फोन लगा रहे रात के 12 बजे। आप बताएंगे तभी तो हमें पता चलेगा, जब आप बताएंगे नहीं तो हमें क्या पता। अब मुझे कह रहा है कि जी अब जिद किए हुए है। हेलो, हाँ तो किस लिए आप बताएंगे तभी तो हमें पता चलेगा। अब एक लड़का जिद काहे की करेगा? हमको क्या पता, जब आप बताएंगे तभी तो पता चलेगा। तो तुम समझदार नहीं हो? मतलब हम समझे नहीं आपका। तो कैसे हम समझाए ये बताओ। जो भी बात है तो आप थोड़े सा तुम बताइए तो हमें समझ में आए। आप मैं से मत रहा है, कोई भी बात करें तो हमें कैसे समझ में आए? जी बताओ, मोहरा में कोई ऐसी लड़की लड़की मिल जाएगी जो संपर्क में हो, उसे एक लड़की से मिलवाना है कोई ना कोई। हमारी जानकारी हमें क्या पता, तो तुम मिल ले हो। हाँ जी, मिलने क्या है? अरे वैसे नहीं, अब इसीलिए तो नहीं कह रहे थे, तुम्हें बुरा ना लगे, पहले ही हमने बता दिया। अब इसीलिए हमने तुमसे कहा, ठीक है, पहले ही हमने बता दिया। तो तुम्हें आप तुम हमसे कहने लगे, आप मेरी बात सुनिए, इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे घर की हाल हकीकत हमने आपसे बताया। वो दिन आप जो 100 नंबर में हमने फोन किया था 112 नंबर। अरे तो हम तुम्हारी नहीं कह रहे हैं, कोई है कोई? नहीं, आपने अभी कहा नहीं कि आप ही मिल लो, तो मैं थोड़ा ना हूँ कि मैं कोई ऐसी वैसी लड़की। आपको समझ में आ रही है कि आप डायरेक्ट इस तरीके से किसी के बारे में कैसे बोल सकते हो? अरे तो हम डायरेक्ट नहीं बोल रहे कुछ। नहीं, आप बताइए आप कैसे बोल सकते हो, ऐसे डायरेक्ट किसी के बारे में बोल सकते हो? नहीं तो पहले मैं क्या तो दिया कि तुम्हें बुरी ना लगे कोई चीज। आपको तो ऐसी बात ही नहीं करनी चाहिए ना, कि आप बोल रहे हो कि आप ही मिल लो हमसे, तो ये गलत बात है, ठीक है ना? इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप पूरी हमारे घर की हकीकत जानते हो कि लड़की लड़की हैं, तो इसका मतलब आप कुछ भी गलत बोले। मैं भी एक इज्जतदार घर से हूँ, क्या हुआ माँ बाप नहीं है तो? चलो ठीक है, तो कोई बात नहीं है। ये होता है कि भाई कोई जो कोई मतलब घर में कोई हादसा हो गया है, माँ बाप में अब मेरा साला है, सगा साला है, अब वो जिद कर रहा है, तो अब फिर मेरा माइंड बड़ा टेंशन में, चाहे 1,000, 2,000, 10,000, 20,000, 50,000 खर्च हो जाए, अब उसकी जिद है तो हमें तो पूरी करनी पड़ेगी। आप अगर शायद हमको नहीं जानते हैं और ना जानने की कोशिश करें तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है? मतलब ये नहीं होता है कि कोई महिला अगर गरीब है, लाचार है, मजबूर है, तो आप उसको जो है पैसे के भाव में तोल रहे हैं और आप उसको पैसा बता रहे हैं। जितना आप हमें पैसा बता रहे हो ना, अभी हकीकत आपको हमारे बारे में पता नहीं है, हम पार्लर में काम करते हैं, थोड़ी नहीं गलत बता रहे। आपकी इतनी सैलरी नहीं आती होगी जितने एक महीने में कमा लेती हूँ, लेकिन रहते इस तरीके से है कि किसी को अपनी औकात नहीं बताते कि हम क्या है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं,
नहीं, हम सही कह रहे हैं, आपकी इतनी सैलरी नहीं मिलती होगी एक महीने में जितना हम कमा लेते हैं। लेकिन ये थोड़ा ना है कि कोई गलत ही रिश्ते से कोई पैसा कमाना सीखे। इज्जत से खाओगे तो इज्जत बनी रहेगी, और इज्जत बेच के इंसान ने खाया तो क्या खाया। चलो गलती हो गई भाई, तुमसे पूछ लिया। मैं इस तरीके से बात नहीं करना चाहिए ना आपको। चलो हम नहीं करेंगे बात, ठीक है। कभी भी किसी महिला से इस तरीके से बात मत करना। हम ज्ञान मत दे किसी भी महिला से, और ज्ञान नहीं दे रहे, हकीकत कह रहे हैं। या तो फिर तुम्हारी देखो बात वाली बात है, तो हम देखो कुछ बोल तो आपसे रहे नहीं है, आप इतना बुरा सा भी तो हमें बोल गए हैं। लेकिन किस लिए बोल गए हम ये भी बता रहे हैं। आज तक हमने किसी पुलिस वाले की या किसी की औकात नहीं समझी, कोई हमें इतना फालतूर बोल जाए। ठीक है, आप उस दिन आए थे इसलिए आपने हमारी हकीकत देखी, हकीकत पूछा क्या है क्या नहीं। हमने आपसे बताया कि हम छोटे, मेरी छोटी चार बहन है एक छोटा भाई, बस इतने लोग फैमिली में है और यहाँ रहते हैं। ऐसे ऐसे लोग हमें परेशान करते हैं।